कैसा लग रहा है आपको छोटे बच्चों के साथ काफ़ी, मतलब स्पोर्ट्स में आज के 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था कि बच्चों को इतना अच्छा मौका और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता था, और आपके माध्यम से, आपके कंपनी के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों को, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ही वही था कि हम बच्चों के लिए कैसे प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे कि हर तबके के बच्चे को और हर एज ग्रुप में, एक अच्छे कम एज ग्रुप में उसको एक एक्सपोज़र मिलता है कि किस लेवल पे प्लेटफॉर्म पे खेला जाता है। तो अभी से उनको वो एक्सपोज़र मिलने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का। तो हमारी आइडिया वही थी, हमारी एकेडमी की फिलॉसफी भी वही है कि हम किस तरह से बच्चों में ये जो क्रिकेट है उसको कैसे बढ़ावा दें और बच्चों में जो इसके गुड ट्रेट्स हैं उसको इनकलकेट करें। तो ये हमारे टूर्नामेंट्स, मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जी, अपने कंपनी के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे कि ये एकमात्र कंपनी है जो मुंबई में स्पोर्ट्स को, खास करके क्रिकेट को, इंडोर स्पोर्ट्स को काफ़ी महत्व देती है। तो अपने कंपनी में, अपनी कंपनी के बारे में और लाइक ऐसे कौन से टूर्नामेंट्स और आगे आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे विस्तार में। क्रिकेट इंडिया एकेडमी हमारा एक क्रिकेट का डिवीज़न है। जैसे हमारी कंपनी स्पोर्ट्स एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड का क्रिकेट डिवीज़न क्रिकेट इंडिया एकेडमी है। तो इसमें हम अभी तक हमने ये 4 टूर्नामेंट हम करते हैं, तो जिसमें 2 हम क्लब लेवल पे करते हैं और 2 हम इंटर स्कूल करते हैं। तो ये मॉनसून टूर्नामेंट हम इंटर स्कूल के लेवल पे करते हैं और इसमें हम इस बार जैसे हमने 27 स्कूल पार्टिसिपेट की, लास्ट टाइम 26 स्कूल थी। अगले साल हमारा टारगेट रहेगा कि हम कम से कम इसमें 42 से 44 स्कूल को पार्टिसिपेट करवाएं। तो धीरे धीरे हमको ये नंबर बढ़ाना है और हमारी कोशिश ये भी है कि इसमें दूसरी जगहों से भी टीम्स आएँ, जैसे महाराष्ट्र में दूसरे सिटी से भी टीम आए और दूसरे स्टेट से भी कुछ टीम हम लाने की कोशिश करेंगे अगले साल। तो इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट को हम बढ़ाएंगे। सिमिलरली जो बाकी भी हमारे 3 टूर्नामेंट हैं, जैसे एक अंडर 10 इन्विटेशनल टूर्नामेंट हम प्ले करवाते हैं इंटर क्लब, एक अंडर 12 प्रीमियर लीग करवाते हैं हम इंटर क्लब, इसके अलावा एक अंडर 12 इंटर स्कूल करवाते हैं। तो ये 4 टूर्नामेंट का जो दायरा है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि वो दूसरे स्टेट्स पे भी पहुँचे। तो हमारी कोशिश वो रहेगी और जो हमारा एम था उसके हिसाब से हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बच्चों का जिस तरह का इंटरेस्ट है और जिस तरह का परफॉर्मेंस बच्चे एग्जिबिट कर रहे हैं उससे लगता है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, बट गेम अपने आप में बहुत बड़ा है, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, जिसे मैं भी मैचेस देख रहा था, काफ़ी नज़दीक से फॉलो कर रहा था मैचेस। बच्चे एक इंटरनेशनल प्लेयर की वेशभूषा में लगते हैं और वही एटीट्यूड, वही बचपन से ही सिखाया जाता है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट मैंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ भी आपका टाई अप है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये हमने 2009 में किया था और उनका प्रोग्राम बहुत ही एक करिकुलम लेड प्रोग्राम है जो क्रिकेट एजुकेशन के नाम से। ब्रेटली हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, मुझे ब्रेटली के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी क्रिकेट से कनेक्टेड है वो जानते हैं। और माइक हसी हमारे रोल मॉडल हैं, माइक हसी, अलाइजा हेली, एलिस पेरी, ये हमारे रोल मॉडल हैं। तो ये अपने आप में क्रिकेट के आइकन्स हैं और ये करिकुलम लेड प्रोग्राम है जिसका पूरा करिकुलम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिखा है। हमारे कोच जो ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, ये कोचेस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ट्रेन किए जाते हैं। तो ये एक हाई लेवल प्रोग्राम है और अभी हमारी एकेडमी करीब 40 एकेडमी चल रही है, करीब कई शहरों में है और हमारी कोशिश है कि हम धीरे धीरे इसको ऑल इंडिया लेवल पे ले जाएं और ये एक्सपेंड कर रही है उसी हिसाब से। अभी रिसेंटली हमने रायपुर में भी लॉन्च किया है काफ़ी बड़े लेवल पे। जी, जो आपने बताया कोचेस आपका और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्लब का जो जॉइंट वेंचर है या ये वेंचर है, उसमें कोचेस को स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है? नहीं, ये हमारा जॉइंट वेंचर नहीं है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये प्रोग्राम राइट किया गया है जिसकी एक्सक्लूसिव मास्टर राइट्स हमारे पास है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो कोचेज हैं वो हमारे कोचेज को ट्रेन करते हैं, वही कोच इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकते हैं, दूसरे कोच ये प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर सकते। तो वो उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोचेज आके यहाँ ट्रेन देते हैं और ट्रेनिंग करते हैं और उसके हिसाब उनको वो बाद में वो कोच यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं उस प्रोग्राम को। थैंक यू।